सो गाइज यू नीड 5 क्वालिटी टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग. यस गाइज, जब हम स्कूल जाते हैं तो वहां हमें बेसिक सिखाया जाता है, जब हम मैथ्स स्टार्ट करते हैं तो हमें वहां बेसिक सिखाया जाता है. वैसे ही एफिलिएट मार्केटिंग के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप लूज कर सकते हो एफिलिएट गेम जो आप आज स्टार्ट करना चाहते हो या इन फ्यूचर स्टार्ट करने वाले हो या अभी कर रहे हो. तो अगर आप जानना चाहते हो ये टॉप 5 क्वालिटीज एंड एबिलिटीज नॉट स्किल, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि कौन सा स्किल आपके पास है वो आपको जानना जरूरी है और कौन सा स्किल आपको कैच करना है लोगों से या सीखना है वो भी आपको जानना जरूरी है. तो उन सभी स्किल्स को ध्यान से समझना और पॉइंट करना अपने आप को कि क्या आपके पास ये स्किल है या नहीं है. अगर आपके पास ये स्किल है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, वीडियो को लाइक करो. सो लेट्स स्टार्ट. So my name is Tia and I'm the best in the world as you know all guys. So दोस्तों, क्या है वो 5 qualities जो आपके में होने चाहिए. So guys, जो सबसे पहली quality है, never ever give up. Yes guys, देखो guys, affiliate एक ऐसा game है जहां हमको बार बार हार मिलती है, बार बार हमें पटका जाता है, उठा उठा के हम पैसे लगाते हैं, हम मतलब एक स्टेज पे नहीं पहुंच पाते हैं और फिर हमें लगता है कि अब चलो यार इसको छोड़ते हैं और किसी और तरफ चलते हैं. लाइक अभी मैं एफिलिएट अगर कर रहा हूँ तो कुछ लोग आएंगे, वो मुझे क्रिप्टो करेंसी का प्लान दिखाएंगे, कुछ लोग मुझे बताएंगे कि मैं क्रिप्टो करेंसी से इतना अर्निंग कर रहा हूँ, कुछ लोग मुझे बताएंगे कि मैं ड्रॉप शिपिंग से इतना अर्निंग कर रहा हूँ, कुछ लोग मुझे कुछ और बताएंगे. तो क्या होता है, जब हम लोग हारते रहते हैं बार 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 बार, तो हमारे मन में बार बार एक ख्याल आता है गिव अप गिव अप गिव अप गिव अप और एट द एंड हम लूज कर जाते हैं अपना एफिलिएट गेम. तो आपको गिव अप नहीं करना है, बिकॉज 90-95% लोग एफिलिएट मार्केटिंग में गिव अप कर देते हैं और वो कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पाते. और एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो थोड़ा टाइम लेता है जमने के लिए, लाइक 3 months मैक्सिमम, 3 months या मिनिमम भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है लोगों पे कि वो कितना ज्यादा काम करते हैं और कितना ज्यादा उसके लिए इन्वॉल्व है. तो नेवर एवर गिव अप, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज इस पे थोड़ा ध्यान दो, बिकॉज 90-95% लोग फेल हो रहे हैं. एंड यू कैन गूगल दिस, यस आप गूगल कर सकते हो और पता भी कर सकते हो कि 90-95% लोग सिर्फ इसलिए फेल हो रहे हैं बिकॉज वो गिव अप कर दे रहे हैं. तो अगर आप एफिलिएट गेम में आना चाहते हो या हो तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको गिव अप नहीं करना है. सो व्हाट इज द सेकंड, वर्क हार्ड. यस गाइस, वर्क हार्ड. एफिलिएट मार्केटिंग लुकिंग सो इजी और आपको लग रहा है कि आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, कोई बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है. यस, कोई भी कर सकता है एंड इट्स लुकिंग सो 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 इजी, बट इट्स नॉट. यस गाइस, मैं सही बोल रहा हूँ, बट इट नॉट, ये इजी नहीं है. और गाइस, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में एक बहुत ही अच्छा स्टेज हासिल करना है, एक बहुत ही अच्छा लेवल हासिल करना है, तो आपको वर्क हार्ड करना होगा. हार्ड वर्क इज द की इन एफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज नहीं देखनी है. लाइक अगर आप कहीं जॉब करते हो तो अगर आप वहाँ पर एज अ सेल्स मैन हो तो आप सेल्स देख रहे हो, एज अ एडवर्टाइजर हो तो एड कर रहे हो, एज अ मार्केटर हो तो मार्केटिंग कर रहे हो. बट यहाँ पर आपको मार्केटिंग भी करनी है, सेल्स देखनी है, बैकेंड से गेम भी देखने हैं, अपने इम्प्लॉयज को भी संभालना है, अपने ईमेल लिस्ट को भी चेक करना है, लीड्स भी लेके आनी है, इवन प्रोडक्ट भी कई टाइम आपको बनाना है. तो ये एक बंदा मतलब यहाँ पर बहुत सारे काम कर रहा है, तो आपको हर काम करना आना चाहिए और हर काम आपको पूरी हिम्मत और मेहनत के साथ करना है. बिकॉज मैंने देखा है कि लोग समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग इज जस्ट अ टाइम पास बिजनेस, या आप बोल सकते हो दिस इज नॉट अ फुल टाइम बिजनेस, बट दिस इज अ फुल टाइम बिजनेस. जो पार्ट टाइम कर रहे हैं वो जो उनका रेवेन्यू है वो भी पार्ट टाइम जैसा है. तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है, ये फुल टाइम बिजनेस है. और बिलीव मी, अगर आप इसमें हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करना कि आप उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हो जिस लेवल पे लोग हैं, मैं हूं या कोई भी है. बिकॉज हार्ड वर्क इज द की इन एफिलिएट मार्केटिंग. लोग आपको दिखाते हैं कि पैसिव इनकम यहाँ से बन रहा है, वहां से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है इन एफिलिएट मार्केटिंग, बट उससे पहले उन लोगों ने कितना ज्यादा एक्टिव वर्क किया है. गाइस, एक्टिव वर्क से ही पैसिव इनकम आती है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि हार्ड वर्क
करना है और बहुत ज्यादा करना है। और एफिलिएट मार्केटिंग 1, 2, 3, 4 घंटे का काम नहीं है। कम से कम आपको शुरू शुरू में इसको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे इवन कभी कभी 14 घंटे देने पड़ते हैं, बिकॉज यहाँ आप बहुत सारे लोगों का काम अकेले संभाल रहे हो। इस चीज को ध्यान में रखो। लेट्स गो ऑन द थर्ड पॉइंट, फोकस। यस गाइस, फोकस। आपने बहुत सुना होगा फोकस, और फोकस कोई टैलेंट नहीं है कि हर किसी में ना हो, सिर्फ एक में हो। फोकस एक, आप बोल सकते हो, एक ऐसी चीज है जिसको बनाना पड़ता है, जिसको ट्रिक हैक्स यूज करके बनाना पड़ता है। बिकॉज फोकस नहीं रहोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। इफ यू आर फोकसिंग ऑन अ गर्ल, सो यू विल गेट अ गर्ल। इफ यू आर फोकसिंग ऑन अ कार, यू विल गेट अ कार। एंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन एफिलिएट मार्केटिंग, सो यू विल बी अ एफिलिएट मार्केटर। यस मेरे भाई, आपको फोकस अपना क्लियर रखना है और हर टाइम फोकस करना है कि आप कौन सी चीज है जो गलत कर रहे हो। लाइक सेल्स, मार्केटिंग, एड कैंपेन, व्हाटएवर, जो भी आप गलत कर रहे हो उस चीज को समझना है। वो कैसे समझोगे? जब आपका फोकस क्लियर रहेगा। अगर आपका फोकस बहुत सारी चीजों में है तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। एज आई सेड, इफ यू आर फोकसिंग ऑन गर्ल, यू विल गेट अ गर्ल। वैसे ही आपको यहाँ पर सही फोकस रखना है। सही फोकस यानी कहाँ आप चीजों को लूज कर रहे हो उन चीजों पे, प्लस आप किन चीजों को बिल्ड करना चाहते हो उन चीजों पे। तो ये जब आपका क्लियर रहेगा, जब फोकस आपका क्लियर रहेगा, तभी काम हो सकता है। लाइक आपने सुना होगा अर्जुन की वो आग वाली कहानी, वैसे ही आपका भी गेम है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में फोकस नहीं रहते हो और 10 चीजों के ऊपर एक टाइम में ध्यान देते हो, तो बिलीव मी आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, जहां आपका टाइम जाएगा, मनी जाएगा और भी बहुत सारी चीजें। एबिलिटी। यस गाइस, दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट, रिस्क एबिलिटी। क्या है रिस्क एबिलिटी? गाइज, रिस्क एबिलिटी सब में नहीं होती। अगर रिस्क एबिलिटी सब में होती तो आज सब लोग अमीर होते, राइट? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। लिखो आई एम रॉन्ग, अगर मैं सही हूं तो यू आर राइट। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। तो एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं आज, जो अपनी चौथी एबिलिटी है, रिस्क एबिलिटी। क्या है ये रिस्क एबिलिटी? गाइज, 95% लोग ऑन एवरेज काम करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और वो 5% लोग जो बहुत ज्यादा उनसे आगे हैं, जो पूरे वर्ल्ड को इवन रन कर रहे हैं, तो उनमें क्या चीज सबसे अच्छी है, सबसे बेहतरीन है? दैट इज कॉल्ड रिस्क एबिलिटी। उन लोगों ने रिस्क लिया, इसलिए उन्होंने बड़ी छलांग लगाई और वो आज अच्छे लेवल पे है। तो वैसे ही एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस है। अगर आप यहाँ पर रिस्क नहीं लेते तो आप बहुत पंगे में पड़ जाओगे। लाइक यहाँ पर टेस्टिंग का गेम है, हर कुछ आपको टेस्ट करना है, समझना है कि आपके लिए कौन सी चीज काम कर रही है। जो चीज आपके लिए काम कर रही है उस चीज पे आपको फोकस करना है एंड उस चीज से अपना जो बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग का, उसको बिल्ड करना है। लाइक एग्जांपल के लिए मैं दे सकता हूँ कि आप देख सकते हो किस लोगों के लिए काम करता है फेसबुक, किस लोगों के लिए काम करता है आपका गूगल एड, किन लोगों के लिए काम करता है बींग एड्स। तो फेसबुक एड, गूगल एड, बींग एड, जो भी है गाइस, सब किसी 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 ना किसी के लिए काम करता है। यस गाइस, वैसे ही आपको भी अपनी चीज को टेस्ट करना है कि कौन सी चीज आपके लिए काम करती है और उस चीज को बिल्ड करना है। अगर आप रॉन्ग चीज को पकड़ लोगे जो आपके काम की नहीं है, लाइक आपको आता है फेसबुक एड और आप कोशिश कर रहे हो और रन करने की गूगल एड, तो वहां आपको मुंह दिखानी पड़ेगी। ऐसे ही करके आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर टेस्ट करनी पड़ती है। जब आप टेस्ट करोगे तो आपको चीजें पता चलेगी। तो इसमें होता है पैसे का रिस्क। तो आपको रिस्क लेने आना चाहिए, बिकॉज आपको बार बार ट्राई करना है एड लगा के लिए कौन सा आपका एड काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, रिस्क एबिलिटी आपके में होना ही चाहिए। लास्ट इन द लिस्ट, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। यस गाइस, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है इन एफिलिएट मार्केटिंग। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने, वो ट्राई करते हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने एंड छोड़ जाते हैं, जबकि वो तीसरा महीना उनकी नैया पार लगा सकता है। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो आपको 3 महीने कम से कम दिन और रात मिला के देना पड़ेगा, पूरी शिद्दत के साथ, हार्डवर्क के साथ, फोकस के साथ, रिस्क एबिलिटी के साथ। आपको कम से कम 3 महीना देना पड़ेगा। 3 महीने के बाद आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि आप 1 महीने में नहीं कर सकते, आप 1 महीने में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप 5, 10, 20 हजार रुपए के लिए आए हो तो ठीक है, बट अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में आए हो तो आप
ऑफकोर्स बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए आया हो, तो आपको कम से कम थोड़ा समय लगेगा और आपको वो समय देना होगा। जब आप वो समय दोगे तभी आप अपने चीजों को बिल्ड कर पाओगे अच्छे से और वहां से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। अगर आप सोचोगे मैं शॉर्ट कट मारूं या सोचोगे कि मैं कम से कम समय में कर लूं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बट मैं एक बता रहा हूं कि इतना पीरियड लगता ही लगता है किसी भी एक एफिलिएट मार्केटिंग, तो अकॉर्डिंग टू मी एफिलिएट मार्केटर को, अकॉर्डिंग टू मी अगर आप सही से चीजों को समझते हो, काम करते हो, तो 3 महीना आपके लिए बहुत है एफिलिएट मार्केटिंग में 1 lakh rupees अर्निंग स्टार्ट करने के लिए, 90 days ओनली। तो अगर आपको भी एफिलिएट मार्केटिंग करनी है या आप एफिलिएट मार्केटर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज आप में ये एबिलिटी होनी ही चाहिए। ये 5 एबिलिटी आपको समझना है और प्लीज आप इसको एज अ इजी ना लें। ये एबिलिटीज हैं जो आपको गिव अप करा देंगी, तो आपको ये 5 जो एबिलिटी हैं इनको समझना है। अगर ना समझ में आए तो फिर से देखो, और भी ना समझ में आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क करो, इट्स मीन कॉन्टैक्ट करो मुझे इंस्टाग्राम पे, जो बिल्कुल फ्री है। अगर आपको नहीं समझ में आई मैं आपको और भी समझाने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी एफिलिएट मार्केटिंग में काफी अच्छा रनिंग करो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।